नॉर्वे। दुनिया में नॉर्वे के पहाड़ों की बेस जंपिंग काफी फेमस मानी जाती है, लेकिन देखने में यह काम जितना शानदार लगता है, वास्तव में यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें जंपर्स हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ों से विंग सूट पहनकर जंप लगाते हैं और नीचे जाते समय उनकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। बता दें कि जंप करने से पहले आपको एक फॉर्म साइन करके देना होता है, जिसमें लिखा होता है कि जंप के दौरान मौत की जिम्मेदारी जंप करवाने वाले लोगों की नहीं होगी। माउंट हुशान हाइकिंग। दोस्तों, क्या हो अगर आपको चीन के हुशान पहाड़ों में लकड़ी से बने एक पतले से रास्ते पर हाइकिंग करनी हो? हमारे लिए ये काम काफी डरावना हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस जगह पर हर साल लाखों टूरिस्ट अपनी जान रिस्क में डालकर ट्रैकिंग करने आते हैं। चीन में शीशे से बने इस ब्रिज से तो आप वाकिफ होंगे ही। चीन में बना यह ब्रिज काफी डरावना है, लेकिन इस ब्रिज के आगे वह ब्रिज काफी छोटा पड़ जाता है। इस ब्रिज पर चलने के लिए लगाई गई ये लकड़ियां कुछ तो चलने लायक दूरी पर है, वहीं कुछ लकड़ियां इतनी दूर है कि इन्हें कूद कर ही पार किया जा सकता है। इस पर चढ़ने से पहले आपको सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन सेफ्टी के बावजूद भी इस पुल पर चढ़ने से पहले आपको अपना जीवन बीमा तो करवा ही लेना चाहिए। एरोप्लेन में सफर करना काफी ज्यादा मनोरंजक होता है, लेकिन एरोप्लेन के ऊपर बैठकर सफर करने पर आपके क्या विचार है? अगर आपके विचार नेक है तो आपको अमेरिका में ऐसा करने का मौका जरूर मिलेगा। अमेरिका की एक कंपनी लोगों को प्राइवेट प्लेन्स के ऊपर बिठाकर सवारी करवा रही है, और इस सवारी के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट भी पहुँचते हैं। स्पेशल इफेक्ट ग्लास ब्रिज। चीन में बना यह ब्रिज पूरी तरह से कांच से बना है। यह ब्रिज 6 फीट 5 इंच चौड़ा और 872 फीट लंबा है। इस ब्रिज में स्पेशल इफेक्ट चलते हैं, जो कि ऊपर चलते हुए व्यक्ति को ये आभास करवाते हैं कि ब्रिज टूट रहा है। ऐसे में हम सलाह देना चाहेंगे कि इस ब्रिज पर कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ना जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको जिस प्रकार के भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।